भारत में लोकसभा का बिगुल बजते ही सभी पार्टियां अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए अपने अपने जो वादे हैं उनको सामने ला रही है। इस वक्त हम मुमरा में मौजूद हैं और हमारे सामने जो दिख रहे हैं ये सभी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने पदयात्रा पूरे भारतवर्ष में की, तो वहीं राहुल गांधी ने 5 न्याय का एक मैनिफेस्टो जारी किया है ताकि वोटरों को और भारतवासियों को न्याय दिया जा सके। हमारे साथ किशोर जी हैं, कांग्रेस से हैं, बात करेंगे कि ये 5 जो न्याय है, हिस्सेदारी न्याय हो, चाहे किसान न्याय हो या श्रमिक न्याय हो, युवा न्याय और नारी न्याय के कई सारी चीजें राहुल गांधी ने जारी की है, किस तरीके से देखते हैं? सर क्या कहेंगे, राहुल गांधी एक तरफ पैदल पूरे भारत का दौरा किए और अभी 5 न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो बीजेपी लगातार कह रही है कि इस बार 400 पर। बीजेपी तो कुछ भी कहेगी, वो तो बोलेगी 550 सीटें हम ले लेंगे। आपने देखा भी होगा जहाँ जहाँ वोटिंग हुई है, जहाँ लाख आदमी वोट करते तो वहाँ 101,20,000 वोट पड़े हैं, तो मशीन का चमत्कार है। और अभी वो सब जुड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में बोलूंगा नहीं, लेकिन अंदर अंदर बहुत रोष है। बीजेपी खुद में अंदर आपस में बहुत लड़ाई शुरू है, तो उनको हम खत्म नहीं करेंगे। बीजेपी खुद को खत्म कर रही है। सर जिस तरीके से देखा जाए इस समय यहाँ पे महाराष्ट्र में टिकड़ी सरकार है, अजीत गट है, शिंदे गट है और बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस का भी एक बड़ा धक्का लगा था जो एक बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल, किस तरीके से देखते हैं और इन सभी चीजों को लेके किस तरीके से कांग्रेस की तैयारी होगी, खास करके मुमरा में? खास करके मुमरा से अपन जब राज्य की बात करेंगे तो उसमें तो सिंपल बात है, इनका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कभी भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, कभी भी सरकार गिर सकती है, वो तो दिन गिन रहे हैं। अब इनका नसीब अच्छा है कि इलेक्शन आ गई है वो ड्यूटी में, तो मेरी समझ से तो बहुत कम दिन रह गए हैं, फिर से उद्धव साहब फिर से सीएम बनेंगे, फिर से जो महागठबंधन सरकार है वो आएगी और अच्छी आएगी। कांग्रेस वासियों से, जो कांग्रेस के लोग हैं या यहाँ मुमरा वासी हैं या फिर महाराष्ट्र के लोगों से क्या अपील करेंगे, खास करके इसमें देखा जाए तो न्याय की बात की गई है, कितना न्याय मिलेगा कांग्रेस की सरकार आने का? 110% न्याय मिलेगा, हमको हमारी गलतियों का एहसास हो चुका है, जिसकी वजह से हम लोग 10 साल बाहर है। 24 में आने के बाद 50 साल कांग्रेस हिलेगी नहीं। मुमरा का तो मुमरा कांग्रेस का ही है, यहाँ पे हमारे दिग्गज नेता काफी बड़े हैं, भोलानाथ पाटिल साहब हैं, नईम खान साहब हैं, तो वो लोग मेरे से ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। सर एक लास्ट सवाल, बीजेपी आने के बाद धर्म का युद्ध चला और आज शिंदेगढ़ भी है, हमेशा हिंदुत्व की बात चलती है, किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस के पास ऐसा क्या कुछ पहलू है जिससे वो वोटरों को लुभा पाएगी? कांग्रेस जात धर्म नहीं मानती, वो इंसानियत मानती है, समधर्म समधर्म। अभी इनका जो है वो अपने अपने कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी हो, यहाँ पब्लिक को सोचना है कि जब खाली पेट होता है तो हिंदू खाना खिलाता है, मुसलमान खाना खिलाता है, क्रिश्चन जिसको भूख लगी उसको अनाज से मतलब है, कौन देता है कौन पेट भरने का, तो फिर बहुत कुछ हो जाता है, मैं हिंदू मैं मुसलमान ये, तो ये राजकारण अब चलेगा नहीं। यहाँ समझ गए 10 साल में क्या हुआ है, लोग कितने पैदल मरे हैं, गंगा जी किनारे कितने मुर्दे टांग खड़े हो गए थे, तो आज वोटर बोल नहीं रहा है, वो रुका है सिर्फ इलेक्शन के लिए। सर मोदी जी भी तो कह रहे हैं जब से हम आए तब से सभी को फ्री में अन्न दिए, फ्री में सारी सुविधाएं, सबको कटोरा दे दिया भाई, आज 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज में तोड़ रहे हैं, नौकरी का है उन्होंने खुद कबूल किया है, उनके पास अगर काम किया होता तो आज वोट मांगने की जरूरत होती क्या हमें? अगर 10 साल में बहुत अच्छा किया है तो फिर क्यों भीख मांग रहे हैं, क्यों बाकी पक्षों का सपोर्ट लेके चल रहे हैं? आज उनकी मीटिंग आप देखिए ना, पब्लिक भागी जा रही है, वो राम का कसम दे रहे हैं, इसकी कसम दे रहे हैं, कोई नहीं रुक रहा है, राम भी समझ चुका है, हनुमान समझ चुके हैं। राम मंदिर का इतना बड़ा त्योहार मनाया गया सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, और किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि राम मंदिर की बात पूरे विश्व में फैली थी और बीजेपी और यहाँ पे शिवसेना लगातार कह रही है कि हिंदुत्व की पार्टी है इसलिए राम मंदिर का निर्माण हो पाए। राम का मंदिर का ऑफिस जो ताला खोला गया था राजीव गांधी जी ने खोला, ये तो सबको पता है, अब उसके बारे में क्या है? धर्म के विषय में मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा, अलग इशू हो सकता है, लेकिन दुनिया को मालूम है कि राम का नाम इसलिए है कि एक वचनी था,
एक पत्नी था, जब इनके कुछ है ही नहीं तो फिर क्या हुआ? राम नहीं बचाएगा ना, हनुमान बचाएगा। सुना आपने किस तरीके से किशोर खत्री जी ने अपनी बात को रखा, तो वहीं यह भी माना जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव में किस तरीके से सभी उम्मीदवार अपने अपने वोटरों को लिभाएंगे, और देखना यह है कि आखिर में उम्मीदवार को वोटर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। वीडियो सहयोगी जय के साथ चंद्रशेखर शुक्रमा, जेजेबी न्यूज थाने। ये है एनपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेबी न्यूज, सिर्फ खबर नहीं सच्चाई का।